एक महिला इन दिनों काफी चर्चा में है जो दावा कर रही है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जन्म दोबारा हो चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल अचानक एक महिला सड़क पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। लेकिन जब एक महिला रिपोर्टर ने हिम्मत दिखाकर उससे रस्ते पर चिल्लाने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत हैं, जो अब इंसाफ मांग रहे हैं क्योंकि उनकी हत्या की गई थी। क्या हुआ था तो आप बता। मर्डर किया था, गले में इंजेक्शन डाल डाल के। लेकिन जब रिपोर्टर ने महिला के मां से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब है, जिसका इलाज अभी चल रहा है, जिसे रास्ते में ऐसा व्यवहार करते देख वो खुद भी घबरा गई थी। गाइस, भले ही ये महिला मेंटली डिस्टर्ब थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातें सबके मन में सवाल छोड़ चुकी हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था, क्या है पूरे मामले की सच्चाई। आप, हम और सभी जनता ये जानना चाहती हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो हमारे दिल में बस चुके थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हिमाचल प्रदेश में मची तबाही के बीच वहां पर एक चमत्कार भी नजर आया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। अब क्या है ये चमत्कार, चलिए जानते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मौजूद त्रिलोकीनाथ मंदिर मंडी शहर के ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल पंचमुखी प्रतिमा को स्थापित किया गया था, इसीलिए इस मंदिर को पंचवक्त्र नाम भी दिया गया है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से तबाही मच गई है और पूरा शहर पानी पानी हो गया है, वहीं शिवजी का त्रिलोकीनाथ मंदिर भयानक बाढ़ में भी टस से मस नहीं हुआ। यही नहीं, ये मंदिर हर साल आने वाली बाढ़ के बावजूद भी पानी में नहीं डूबता। वैसे गाइस, इतनी बाढ़ में भी इस मंदिर का ना डूबना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मियां बीवी में तलाक होते तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों के बीच तलाक होते देखा है? जी हाँ गाइस, एक स्टडी से पता लगा है कि पक्षियों में भी तलाक यानी कि डिवोर्स होते हैं। अब क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, चीन और जर्मन रिसर्चर्स की जनरल प्रोसीडिंग्स में रॉयल सोसाइटी स्टडी में ये पाया गया कि लगभग 90% पक्षी एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, लेकिन अब इनमें भी डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि कुछ पक्षी लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। दूसरा कारण है नर पक्षी की बेवफाई और दूसरे मादा पक्षी के साथ। इन दो वजहों से अब पक्षियों में भी डिवोर्स बढ़ रहे हैं। गाइस, इंसानों में तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, लगता है अब पक्षियों में भी एक दूसरे पर भरोसा बचा नहीं है। वैसे गाइस, पक्षियों में भी डिवोर्स होता है।